ओके, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 31, क्वेश्चंस फ्रॉम 31 to 40। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज कितना है। चार्ज ये जस्ट मिनट, चार्ज 20 माइक्रो कूलम प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो चार्ज जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे पहले। फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पर टोटल चार्ज का आधा आधा, ठीक है। 20 दिया तो फर्स्ट पर 10, लास्ट पर भी 10, और बाकी इनसाइड सरफेसेस पर, फेसिंग सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट आता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो पहले को 20 दिया तो 10 आएगा उसकी आउटर सरफेस पर, और लास्ट वाले के भी आउटर सर 10। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जो Q2 है सेकेंड सरफेस, जैसे ये है ना, इधर 10 है तो इधर भी 10 आएगा, है ना। और इस पे भी 10 आ गया था, ये न्यूट्रल थी तो इस पे -10। तो दैट इज़ हाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। पहले भी हम लोगों ने किया। तो फर्स्ट पर 10 है, टोटल 20 दिया तो सेकेंड साइड में 10 आएगा। थर्ड सरफेस पर -10 बिकॉज फोर्थ पर 10 है, वो न्यूट्रल है, तो दोनों मिला के 0। फर्स्ट पे दोनों मिला के 20 हो रहा है कि नहीं। 10 ये 10 लेफ्ट सरफेस पे और 10 राइट सरफेस पे। नाउ तो चार्ज 10 लिया जाता है, अभी जो फेसिंग सरफेस का वही चार्ज लिया जाता है, क्योंकि आउटर सरफेस का जो है, इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा इन दोनों चार्ज से, इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा इन दोनों चार्ज से, है ना। देखो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। ये 10 है, ये 10 है, ये -10 है, ये 10 है, तो ये दोनों पॉजिटिव में, देखो इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज 0। पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव का जो है यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल, और इन दोनों का भी यहाँ पर इस सरफेस पर, ऐसे ही इसका खुद का, ये तो खुद तो 0 ही है, 0 पोटेंशियल पे है, इन दोनों का इस सरफेस पर। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले का 0 ही आ जाता है अगर हम पोटेंशियल पूरा लिखें और डिफरेंस निकालें। तो इसलिए फेसिंग सरफेस का ही काउंट होता है। फेसिंग सरफेस का जो एक चार्ज है वो ले लेंगे, दैट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फार्मूला वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो क्यू अपना 10, सी दिया हुआ है इधर 10 माइक्रोफेरड, तो इतना 1 वोल्ट आ जाएगा। अलर्ट 32 देखेंगे अभी। चार्ज 1 माइक्रो कूलम इज गिवन टू द 1 प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफेरड एंड चार्ज 2 माइक्रो कूलम इज गिवन टू द अदर प्लेट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें भी वही टोटल चार्ज का आधा आधा किया, वो फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पे आ जाएगा Q1 एंड Q4, इतना आ गया। और फेसिंग सरफेस पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और इक्वल एंड अपोजिट आता है, इस पे 1.5 तो उसके सामने वाली सरफेस पर 0.5, टोटल उसको 1 दिया गया था। लास्ट वाली सरफेस पर इतना है, उसको टोटल 2 दिया गया, तो बाकी सामने आ जाएगा। तो सामने वाली पे देखो फिर से इक्वल एंड अपोजिट फेसिंग सरफेस पर, इन चार्जेस का तो पोटेंशियल न्यूट्रलाइज हो जाता है, डिफरेंस में 0 हो जाता है, इनका बचा है अभी। तो ये पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे फिर से और सी से डिवाइड कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फेसिंग सरफेस का पॉजिटिव चार्ज लेके सी से डिवाइड करो, तो दैट इज़ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर्स, टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नाउ ईच ऑफ द प्लेट शोन हैज दिस मच एरिया ऑन वन साइड, ओके ऑन वन साइड, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन। EMF बैटरी का दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू ईच प्लेट कनेक्टेड टू इट। पहले तो नेट कैपेसिटर निकालेंगे। देखो इसका हमने 0.1 दे दिया है, और ये वाली प्लेट का कनेक्टेड है टुगेदर, वो एक्स पर होंगी, और ये भी यहाँ पे लिख दिया। अभी ये पहला देखते, ए तो ए ऑफ कोर्स लास्ट
मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। बी एंड सी फेसिंग सरफेस है, बी वन के साथ कनेक्टेड है, सी एक्स के साथ कनेक्टेड है। डी एंड ई देखते, डी जो है एक्स के साथ कनेक्टेड है, ई किसके साथ, वी के साथ। यहाँ पे देखो एफ एंड जी, एफ किसके साथ है, वी के साथ ही। जी किसके साथ है, एक्स के साथ है। देखो एक्स बीच में लिया हुआ हमने पॉइंट, तो अभी ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में और ये उनके साथ नेट के साथ सीरीज में, तो दोनों इन दोनों का 2C आ गया और इसके साथ सीरीज में C1 C2 upon C1 plus C2 सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट, तो 2C/3 आ गया। नाउ सी कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो चार्ज ऑन द, चार्ज निकाल लेते हैं अभी, सी नेट टोटल चार्ज सिस्टम से कितना चला है। सी नेट इज इक्वल टू, निकाला है हमने ऊपर वी दिया हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू इतनी दी, एप्सिलॉन नॉट के साथ ये कैंसिल हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट में भी 10^-12 आएगा, 8 point something। तो ये सब कैंसिल सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है। दैट्स ऑल, मेरे ख्याल से चार्ज नेट चार्ज पूछा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, उतना बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी टोटल, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर इधर चला जाएगा। ऑल राइट, तो इसका नेट कैपेसिटर निकालने का थोड़ा सा पॉइंट लोकेट मार्क करके और उनके बीच में देखो कौन कैसे कैसे कनेक्शन है, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस, अदरवाइज सीरीज पहले नहीं दिखता हुआ ऐसा। लेट्स सी नाउ दिस क्वेश्चन 34th, द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट्स शोन इन द फिगर इज 50। दो प्लेट्स के बीच का 50 है नैनो में। चार्ज 1 coulomb इज प्लेस्ड ऑन द मिडल प्लेट, इसको 1 microcoulomb दिया। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अपर प्लेट, वही टोटल चार्ज का आधा 1 दिया तो 0.5 आ जाएगा इसका आंसर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द अपर एंड मिडल, तो ये 0.5 है सिंस इट इज न्यूट्रल, इसका -0.5 आ जाएगा और इसमें +0.5 आ जाएगा, नीचे वाले में भी +0.5, इसमें माइनस इसमें प्लस, बिकॉज ये भी न्यूट्रल है। तो अपर एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अपर, तो इसमें कितना आया था, न्यूट्रल थी, ऊपर अगर प्लस आया तो ये माइनस आया था, इसमें प्लस, तो 0.5 जो है फेसिंग प्लेट्स पर है चार्ज, तो उसी से अपना पोटेंशियल आएगा 0.5/C, 50 nF से आंसर आ जाएगा, 0.5/50 nF से 10 volt टोटल चार्ज। फिर ऊपर वाली जो प्लेट है उसके नीचे वाले पे माइनस, बिकॉज न्यूट्रल है, अगर ऊपर वाले पे इतना तो नीचे वाले पे माइनस उतना, 0। फिर थर्ड सरफेस पर बीच वाली प्लेट की ऊपर वाली पर ये, तो दैट इज़ व्हाट इज द चार्ज डिवाइड बाय सी। 34 हो गया, 35 देखते हैं अभी। अभी इसमें क्या किया है, प्रीवियस सिचुएशन में 1 microcoulomb जो था ना अपर प्लेट को दिया इसमें, तो अभी बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर से टोटल का आधा ऊपर आधा सबसे नीचे वाली सरफेस पर, तो 0.5 इस पे 0.5, तो इस पे -0.5, इस पे प्लस 0, न्यूट्रल है तो प्लस 0, इस पे भी प्लस है तो -0.5, इस पे 0.5, तो ऐसे हो गया, फिर से वही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फेसिंग सरफेस पे, एक पे -0.5 दूसरे पे +0.5। तो निकालना क्या देखते हैं, द अपर एंड मिडल प्लेट क्या है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अपर एंड, तो वही है 0.5 का ही है, एंड इसमें भी 0.5 का सेम ही आएगा, फिर 0.5/C, दैट्स व्हाट वाज डन हियर आल्सो। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन आ रही, तो सेम आएगा 10 वोल्ट जैसा कि ऊपर आया था 10 वोल्ट। ठीक है, शैल आई शो, देख लो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, फर्स्ट एंड सिक्स पर 0.5, टोटल का आधा आधा बस। तो चार्ज जो है अपना कुल मिला के 0.5 है मैग्नीट्यूड में फेसिंग सरफेस पर, तो उससे सी से डिवाइड किया
तो पोटेंशियल आ जाएगा सिमिलर टू द प्रीवियस वन। 36 देखेंगे अभी, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स। तो पहले नेट चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर वी वन विल बी क्यू नेट चार्ज अपॉन सी वन, वी टू विल बी नेट चार्ज अपॉन सी टू। एक मेथड है, नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, नेट कैपेसिटेंस निकाल के क्यू नेट इज इक्वल टू सी सी नेट इन टू वी से, या फिर हम इंडिविजुअल डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। फार्मूला जो है पोटेंशियल इन्वर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में होते हैं, वी वन जो है जहाँ यहाँ वी वन है तो यहाँ सी टू होगा, नीचे टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई टोटल पोटेंशियल, तो वी वन आ जाएगा। वी टू माइनस करके निकाल सकते हैं, वी वन कितना आया अपना, कितना आया, तो टोटल में से माइनस कर दो, टोटल में से 20 में से वो माइनस कर दो 4 पॉइंट समथिंग, तो 36 है टोटल, कितना वी था, हाँ तो 6 था, सॉरी 6 में से माइनस कर दो सीधा, वी टू आ जाएगा। नहीं तो ये फार्मूले से निकाल लो, वी टू क्या होगा, वी टू विल बी सी वन अपॉन टोटल कैपेसिटेंस टू वी, सिंपली 6 से माइनस करके निकालना आसान है, दिस इज 6 माइनस 4.28। ठीक है, दोनों आ गए, तो दोनों का अभी हमें एनर्जी निकाल सकते हैं, दोनों का सी पता है, वी वन एंड वी टू पता लग गया है, तो वी कैन फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर इतनी एनर्जी, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर इतनी एनर्जी, पिको फैरड में 10^-12 को पिको बोलते हैं, प्रीफिक्सेस है ना, प्रीफिक्सेस के लिए तुम्हें फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर देखने पड़ेंगे, कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 37 देखते, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी 20 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो फिर से सेम स्टोरी, सेम टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इतना इन सीरीज, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले हम एनर्जी निकाल लेंगे कितनी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकाल लेंगे। बैटरी जो है हमेशा डबल एनर्जी सप्लाई करती, क्यों, बिकॉज 50% लॉस हो जाती कनेक्टिंग वायर में, तो दोनों की एनर्जी निकाल लो, एनर्जी स्टोर्ड, सी नेट निकाल दिया 4 and 6 का, इतना एनर्जी स्टोर्ड आ गई अपनी 480 माइक्रो जूल। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी ट्वाइस ऑफ दिस बिकॉज 50% लॉस, सिंस 50% लॉस इन कनेक्टिंग वायर, इन कनेक्टिंग वायर, वाई चार्ज फ्लो होता है तो करंट के बराबर है, करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी वायर्स में उनका रेजिस्टेंस होता है तो आई स्क्वायर आर से लॉस हो जाता है, उसमें 50% लॉस होता है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई देखो, इफ़ यू रिमेंबर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ क्यू इन टू वी, और बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करती है, क्यू इन टू वी, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी इज क्यू इन टू वी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमें आइडिया लग रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ क्यू इन टू वी, एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी इज क्यू इन टू वी, 50% लॉस ऑलवेज। नेक्स्ट वन इज ईच कैपेसिटर इन द डायग्राम हैज द कैपेसिटेंस 10, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 100, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो पहले इसका नेट निकाल लेते हैं सीरीज में, इन दोनों का ऐड होके 20 हो जाएगा, फिर आपस में तीनों सीरीज में है तो 4 माइक्रोफैरड आ गया इसका सीरीज कॉम्बिनेशन से। टोटल चार्ज निकाल लिया हमने, क्यू नेट इज इक्वल टू सी नेट इन टू वी। अभी एनर्जी फर्स्ट वाले में निकाली, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, फर्स्ट वाले को पूरे चार्ज हो, फर्स्ट वाले से पूरे चार्ज होके आएंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाले पर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखते हैं कैसे। तो यू वन इतना एंड यू फोर भी उतने, फोर्थ वाले डी पर भी उतने, बट बीच में क्या हो जाएगा, इधर से देखो, ये भी 10 है, सॉरी हाँ ये भी 10, आधे चार्ज इधर जाएंगे आधे चार्ज, तो चार्ज का स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रिलेशन है, चार्ज आधे हुए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी,
1/4, इसकी 1/4 कर दी, 4 से डिवाइड कर दिया तो 2, तो इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर भी 2 मिली जूल, हाफ चार्जेस गोज इन ईच। ऑलराइट, अनइक्वल होते फिर हमें यहाँ का भी पोटेंशियल निकालना पड़ता, पोटेंशियल निकाल के फिर इंडिविजुअल निकालना पड़ता, हाफ सी टू वी स्क्वायर और नीचे वाले का हाफ सी थ्री वी स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, कैपेसिटर विद द स्टोर्ड एनर्जी दिस मच इज कनेक्टेड विद एन आइडेंटिकल कैपेसिटर विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन मतलब अनचार्ज्ड। ऑलराइट, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स। तो इनिशियल एक कैपेसिटर पे हाफ सी वी स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 4 जूल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सी वी स्क्वायर की वैल्यू 8 जूल आ गई, वो नेक्स्ट इक्वेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो लॉस का फार्मूला ये होता है, हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, आइडेंटिकल है इसलिए हमने सी सी लिखा। तो ये जब सॉल्व किया तो सी स्क्वायर बाई फोर, सी वी स्क्वायर बाई फोर, सी वी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए 8 बाई 4, 2 जूल लॉस, 2 जूल इनिशियली 8 नहीं सॉरी इनिशियली 4 है, तो टोटल एनर्जी स्टोर रिमेनिंग कितनी है, इनिशियल माइनस लॉस इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फैराड इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट देन कनेक्टेड टू 4 माइक्रो फैराड, अनचार्ज्ड है वो, अनचार्ज्ड है। ऑलराइट, तो फाइंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स आफ्टर कनेक्शन। चार्ज निकालने के लिए कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इनके बीच का जो पोटेंशियल है ना कॉमन पोटेंशियल वी सी बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, वी सी इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये डेरिवेशन कंजर्वेशन आप चार्जेस से डिराइव कर सकते हैं, इनिशियल चार्जेस इज इक्वल टू फाइनल चार्जेस, तो क्यू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इज इक्वल टू, अभी कॉमन कॉमन पोटेंशियल आ जाता है तो सी वन प्लस सी टू चार्जेस का ही है ये भी वी सी, इससे आ जाएगा तो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपन सी वन प्लस सी टू, इससे मैंने कॉमन पोटेंशियल 4 आ गया। इसके लिए वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कैपेसिटर्स के मेरे, ठीक है। तो 4 वोल्ट आ गया, तो अभी कॉमन पोटेंशियल जो वी है वी सी बोलते हैं, तो वी हमने वी लिखा, ओके यहाँ पर हाँ ठीक है वी सी, तो फिर न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू वन डैश इज इक्वल टू सी वन वी सी, क्यू टू डैश इज इक्वल टू सी टू वी सी, इतना इतना न्यू एनर्जी निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल से, इतना और इतना, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, एक ही चार्ज था उसकी निकाल ली, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर 144, तो लॉस कितना हो गया, हीट लॉस व्हाट इज आस्क हीट प्रोड्यूस्ड है ना, तो हीट लॉस हीट प्रोड्यूस इनिशियल माइनस टोटल फाइनल एनर्जी दोनों को ऐड कर तो 96 माइक्रो जूल। ऑल राइट, तो दिस इज एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन। एग्जैक्टली सिमिलर इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ओके दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।